गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, अभी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में फर्क क्या है सबसे पहले वो सुन लेंगे। एंटीसेप्टिक मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, अगर हमारे बॉडी पर थोड़ा सा भी कट लग गया, जिसकी पेंसिल हम शार्प कर रहे हैं और ब्लेड हमको लग गई और ब्लड निकलना शुरू हो गया, हम जल्दी से एंटीसेप्टिक लोशन जो भी है या एंटीसेप्टिक है वो हम लगा लेते हैं, ताकि वहां पर जो भी इंजुरी है वो इंजुरी ज्यादा बढ़े नहीं। तो ये हो गया एंटीसेप्टिक, मतलब कि लिविंग टिश्यू पर अप्लाई किया। समझ में आ गया, लिविंग टिश्यू मतलब लिविंग बॉडी या लिविंग टिश्यू पे जो भी हम सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एंटीसेप्टिक। अब डिसइंफेक्टेंट क्या है फिर डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है, कहीं ये दोनों एक तो नहीं है? नहीं, दोनों टोटली अलग है। डिसइंफेक्टेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो हम नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहेंगे डिसइंफेक्टेंट। जैसे कि ये फ्लोर है, यहाँ पर जो पोछा लगेगा, यहाँ पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे वो नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स है वहां पर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया, दैट इज नोन एज डिसइंफेक्टेंट। अब वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं, एंटीसेप्टिक मतलब क्या। दीज आर द सब्सटेंस व्हिच किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग टिश्यू। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, लिविंग टिश्यू के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने की प्रोसेस जो है वो एंटीसेप्टिक के द्वारा की जाती है। दे आर नॉन टॉक्सिक। आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने एंटीसेप्टिक लगाया है और जैसे वो उस लगाने के बाद डेटॉल लगाया आपने और आपके बाद मतलब कुछ टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिला, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं। आफ्टर शेव लोशन रहते हैं, डेटॉल लगाते हैं कई लोग शेविंग करने के बाद, तो कभी कुछ टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिले? नहीं। एंटीसेप्टिक कैसे रहते हैं? नॉन टॉक्सिक। और कहाँ पे लगाए जाते हैं? लिविंग टिश्यूज के ऊपर। ठीक है, सो डायरेक्टली अप्लाइड ऑन दी स्किन, डायरेक्टली स्किन पर उसको लगा सकते हैं ऑन लिविंग टिश्यू। एग्जाम्पल इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आप सबने देखा होगा, घर में जैसे ही आपको चोट लगी कहीं गिर गए तो मम्मा क्या करती है, तुरंत आपको टर्मरिक जो हल्दी होती है किचन में से लाकर उसके ऊपर लगा देती है। तो हल्दी जो है उसको बेस्ट एंटीसेप्टिक माना गया है। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट क्या होगा फिर वर्ड टू वर्ड? दीज आर दी सब्सटेंस व्हिच किल्स दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रूम्स, इक्विपमेंट्स, फ्लोर्स। ठीक है, और वो कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। अगर उनका ज्यादा प्रमोशन में इस्तेमाल कर लिया तो टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो नॉट अप्लाइड, इसी वजह से उनको डायरेक्टली लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बेंजोइन यहाँ पे लिखा है, पर कॉमनली एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बताऊँ, फिनाइल जो होती है, ठीक है ना, ये फ्लोर के जो क्लीनर्स होते हैं लाइजोल वगैरह, आपने सुना होगा, ये डिसइंफेक्टेंट के एग्जाम्पल्स है। नाउ हमें तो हमारे फूड ड्रग्स से रिलेटेड ऐसे ड्रग्स पढ़ने हैं जो एंटीसेप्टिक एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो पहला ड्रग है टर्मरिक, जिसको हल्दी कहा जाता है, सिनोनिम उसका है हल्दी, और इंडियन सेफ्रॉन भी कहते हैं उसको। नाउ इसका हम कौन सा पार्ट इस्तेमाल करते हैं? इसका हम ड्राइड राइजोम्स इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा हल्दी, हल्दी तो जनरली हमारे किचन में पाउडरिंग फॉर्म में रहती है, लेकिन वो पाउडरिंग डायरेक्टली पाउडरिंग फॉर्म में नहीं होती है, राइजोम्स रहते हैं, उसको पिसवा कर हम पाउडर बनाते हैं और फिर हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ इसका बायोलॉजिकल सोर्स, दीज आर दी ड्राइड राइजोम्स ऑफ करक्यूमा लॉन्गा फैमिली जिंजीबरेसी, ये उसका हुआ बायोलॉजिकल सोर्स। और कॉन्स्टिट्यूएंट में याद रखेंगे, इसमें रेजिन्स रहते हैं, वोलाटाइल ऑयल रहते हैं, कौन से रहते हैं? तो करक्यूमिन और करक्यूमिनॉइड्स, ये दो आपको इंपॉर्टेंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखने हैं। क्या बोला मैंने? करक्यूमिन और करक्यूमिनॉइड्स। और यूजेस में याद रखना है, ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है। ठीक है, एंटीसेप्टिक मतलब आपको पता है, मैंने बता दिया, चोट लगी तो तुरंत लगा लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वगैरह होने देता नहीं और हीलिंग बहुत फास्ट करता है। उसके बाद में कलरिंग एजेंट है, आपको पता है घर में किचन में सब्जी में हल्दी पड़ती है और बहुत सारे आइटम्स हम कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें हल्दी हमारे मतलब किचन का कॉमन इंग्रेडिएंट है। और एज अ स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट, मसाले के तौर पर, स्पाइस मतलब ये मसालों के हमारे इसमें यूज किया जाता है, इंडियन जो रेसिपीज होती है, कुशन्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा यूज की जाती है हल्दी। ना उसके बाद में डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड, अगर किसी ड्रग में बोरिक एसिड का एडल्ट्रेशन किया गया है तो वो भी हम टर्मरिक के जरिए इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो
नेक्स्ट ड्रग देखने जा रहे हैं बेंजोइन या लोभान। आप सभी ने दरगाह वगैरह में ऐसे धुआं और एक अच्छी स्मेल आती है दरगाह वगैरह में जाते हैं तो वो रहती है लोभान की। ठीक है, तो इसका हम सिनोनिम देख लेते हैं। दो वैरायटी अवेलेबल है, एक तो सुमात्रा बेंजोइन और दूसरा है सियाम बेंजोइन, और कॉमनली इसको लोभान करके भी बोलते हैं। आपने देखा होगा ऐसे ग्रेइश येलोइश या फिर ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऐसे पत्थर जैसा दिखता है। ठीक है, नाउ ये क्या है, इट इज अ ड्राइड बाल्समिक रेजिन्स ऑफ स्टायरिक्स बेंजोइन और स्टायरिक्स ट्रॉन्केनेंसिस। ये स्टायरिक्स बेंजोइन मतलब सुमात्रा बेंजोइन होता है और स्टायरिक्स ट्रॉन्केनेंसिस मतलब सियाम बेंजोइन होता है। दो वेराइटी इसकी अवेलेबल है और फैमिली इसकी याद रखना है स्टायरेसी। देखो इससे मिलता जुलता ही है स्टायरेक्स स्टायरेक्स स्टायरेसी, और इसमें रहते हैं मेनली रेजिन्स रहते हैं बेंजोइक एसिड सिनामिक एसिड उसके साथ में सुमा रेजिनोलिक एसिड और सिया रेजिनोलिक एसिड जिसको शॉर्ट में सुमा रेजिन या सिया रेजिन भी कहते हैं। ठीक है, नाउ इसके यूजेस देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है, उसके बाद एंटीसेप्टिक है, डायलिटिक है एंड एज अ फिक्सर फॉर मास दी ओडर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। कई सारे फार्मुलेशन ऐसे होते हैं जिसमें एक ओडर रहती है और उस वजह से वो इन मतलब एडमिनिस्टर करने में तकलीफ आती है, इसीलिए इसको एज अ फिक्सर ओडर मास्क करने वाला एजेंट करके भी यूज किया जाता है। नाउ अगले ड्रग हम देखने जा रहे हैं, ड्रग का नाम है मिर। ठीक है, क्या है मिर, और इसका सिनोनिम है हीराबोल, और उसके बाद और एक नाम है गम मिर या फिर कड़ूबोल ऐसा भी इसको बोला जाता है। ये ड्राइड ओलियोगम रेजिन है। क्या है ये, इट इज अ ड्राइड ओलियोगम रेजिन ऑफ कोमीफ्लोरा मोल मोल फैमिली बुर्सरासी। वोलाटाइल ऑयल रहते हैं इसमें, रेजिन्स रहते हैं, और इसमें कौन सा वोलाटाइल ऑयल मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट रहता है, तो वो है अल्फा बीटा गामा कोमीफोरिक एसिड। एग्जाम में पूछा है, लिखा रहेगा अल्फा बीटा गामा कोमीफोरिक एसिड, आपको लिखना रहेगा ड्रग का नाम, आप लिखेंगे मिर। और ये बहुत ही अच्छा क्या है, एक्सपेक्टोरेंट है, एंटीसेप्टिक है, एस्ट्रिंजेंट है इन प्रिपरेशन ऑफ माउथ वॉशेस एंड गार्गल्स, इसमें इसको यूज किया जाता है। और उसके बाद अगली ड्रग हम देखने जा रहे हैं, ड्रग का नाम है नीम। ठीक है, नीम जो है ये क्या है, एक आप लोगों ने कई बार देखा होगा घर में गेहूं चावल ऐसे बोरों से आता है तो चावल में नीम के पत्ते मिलाकर रखते हैं, आप सबने देखा है। उसका यूज क्या है पता है, आजकल वो नीम की पत्तियां नहीं मिल रही है तो मार्केट में प्रिपरेशन आते हैं नीम के टैबलेट्स आते हैं, वो टैबलेट भी रख दिया तो जो कीड़े होते हैं अनाज में वो नहीं होते। तो ये बहुत ही अच्छा क्या है, इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड मतलब जो इंसेक्ट्स है कीड़े है उनको दूर करना इसका काम है। तो इसका सिनोनिम देखेंगे, कड़ू नीम भी बोला जाता है इसको क्योंकि बहुत ही कड़वा होता है टेस्ट में। और इसके हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो ड्राइड और फ्रेश, ड्राइड भी या फ्रेश दोनों टाइप्स के हम इसके लीव्स इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ ड्राइड फ्रेश लीव्स ऑफ अजादिराचिता इंडिका, अजादिराचिता इंडिका फैमिली मेलियासी, मेलियासी फैमिली का ड्रग है ये, और इसमें अल्कलॉइड्स रहते हैं। जैसे मैंने बोला कि करूनिम कड़वा होता है तो क्यों कड़वा होता है, बिकॉज ऑफ दिस अल्कलॉइड्स। इसमें रहते हैं अजादिराचिटीन, निम्बिन, निम्बोस्टिरॉल और बहुत ही काम का याद रखना है मार्गोसिन। आपको मार्गो साबुन का नाम याद होगा, टीवी पर एड भी आती है मार्गो, वो है मार्गोसिन, उसमें भी नीम रहता है। ठीक है, नाउ ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है, इंसेक्टिसाइड वही मैंने बताया आपको अनाज में जो कीड़े हो जाते हैं उसके लिए उसके लीव्स इस्तेमाल करती है। फंगीसाइड अगर किसी को फंगस इन्फेक्शन हो गया है और नीम के पानी से उसको नहाने के लिए बोला तो ये फंगस इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। इस तरीके से आज हम लोगों ने दो कैटेगरी डिस्कस कर ली है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। थैंक यू।